जब किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये मेट्रो का काम और आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने कहा कि विकास से वोट थोड़ी मिलता है, तो विकास से वोट मांगते नहीं है, तभी तो एनकाउंटर हो रहे हैं। अच्छा, जिन मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि हम झांसी में मेट्रो बना देंगे, गोरखपुर में मेट्रो बना देंगे, अरे वो मुख्यमंत्री न झांसी में बना रहे मेट्रो न गोरखपुर में बना रहे, और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बनी हुई डीपीआर को हटा दिया उन्होंने। तो वो जानते हैं कि धर्म का झगड़ा करा दो, जाति का झगड़ा करा दो, पैकेज दे दो जिससे एक ही कहानी चलती रहे। अरे हमने सदन में पूछा 46 से 56 क्यों नहीं बताते हैं आप, क्या यादव एसडीएम हो गए 46 से 56? हमने कहा सूची जारी कर दो, आज तक सूची जारी नहीं की, कोई चैनल बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम ये गलती कर दें, कोई गलती मैं कर दूं, अभी हाईलाइट हो जाएगी, उसका कारण आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, ये चेहरे की खुशी बता रही है कारण क्या है। अभी हाल ही में मुरैना का याद कीजिए आप, जो परिवार मुझसे मिला था, मैंने 5 लाख की मदद किस परिवार की, वो बेटा अग्निवीर की भर्ती के लिए आगरा गया, पुलिस ने बस से उतारा और उसकी जान ले ली, जान ले ली उसका परिवार ने, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मैंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा हाँ कुछ इस तरह की बात है, जांच करेंगे। तो मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में तो फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए हैं, तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर फेक एनकाउंटर किसी परिवार को लगता है, क्यों मुरैना का परिवार नहीं किया गया, मुरैना का परिवार गया, पुष्पेंद्र का परिवार गया, और पुष्पेंद्र के परिवार की तो मां थी, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। अब सरकार के पास क्या जवाब है, क्या सरकार को भेदभाव करना चाहिए, जिन्होंने बुलडोजर से गाड़ी से चाह करके मार दिया और बुलडोजर से माँ बेटी जल करके मर गए, सब लाइव है, आज रिकॉर्ड है, बाप कह रहा है बाप धरने पर बेटा धरने पर, क्या सरकार उनका एनकाउंटर करेगी क्या नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी सरकार एनकाउंटर, करे अगर अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है तो और अपराधी क्यों नहीं कर रही एनकाउंटर, उसमें जा तो धर्म देख करके किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हो, ये समाज को बांट करके राष्ट्र में बचा। चलिए मुझे एक ऐसा सवाल पर भरोसा है, एक ऐसा सवाल समाजवादी पार्टी कोशिश होगी अपने संगठन के माध्यम से, जो बुनियादी सवाल है, आज भी सरकार के पास रोजगार महंगाई का जवाब नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जिससे खुशहाली आती है उसका जवाब नहीं है, उद्योगपति भारत छोड़ के भाग रहे पैसा लेकर के जा रहे हैं वो जवाब नहीं है, बैंक्स खत्म हो रही है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है, जीएसटी जिस तरह लागू हुई है कुछ लोगों को लाभ है, उद्योग खत्म हो रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार, ये जो नए नए तरह की व्यापार हो गया, ऑनलाइन ऑनलाइन आप परचेसिंग करो, ये पोर्टल्स क्रिएट हो गए, हमारे दुकानदारों का क्या होगा, ये तमाम सवाल है। और सवाल नाज पटेल का।